तो वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस हर्षित में। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो ऐसे ही आप लोग आगे भी हमें प्यार देते रहिएगा। तो आज सुबह के बज चुके हैं अभी 7, तो अभी अभी मॉर्निंग टाइम है, तो आज मॉर्निंग ही हम अपनी वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि हमें फेस वॉश का जो रिव्यू है, फेस वॉश कैसे करें, वो वाली वीडियो अपलोड करके बताएं। तो आज मैं बात करूंगी अपने फेस वॉश के बारे में, कौन सा फेस वॉश हमें यूज करना चाहिए ऑयली ड्राई और अपनी नॉर्मल स्किन के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपने फेस पर साबुन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आपका साबुन 3 ग्रेड का है तो उसे कभी भी यूज मत करिए, वो सिर्फ टॉयलेट के लिए होता है। और अगर आपका साबुन जैसे ग्रेड 1 का है तो उसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी कभी कभी। तो कभी कभार अगर आपको इमरजेंसी है, अर्जेंट है, तो आप यूज उसे कर सकते हो, वरना आप उसे इग्नोर करें तो ही अच्छा है। तो पर्सनली मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन है, तो मैं अपने फेस के लिए यूज करती हूँ हिमालय का प्योरीफाई नीम फेस वॉश। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो ये दिस इज माय पर्सनल ब्लॉग। तो ये है हिमालय का, और दिस इज ऑल स्किन टाइप है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। वैसे भी पर्सनली भी मैं इसे कब का, आई थिंक बहुत टाइम से मैं यही वाला फेस वॉश यूज कर सकती हूँ, और आप लोग भी इसे यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बेनिफिट है इसका। ये सर्दी और गर्मी दोनों में आप इसे यूज कर सकते हो। तो चलिए, अब हम करते हैं फेस वॉश। तो इसका अमाउंट हमें ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 ड्रॉप ही हमें लेनी है। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से गीला कर लेना है। अब अपना फेस वॉश को लेकर हम जेंटली मसाज करेंगे। अगर आप सिर्फ नॉर्मल वाटर से भी अपना फेस धो लेते हो वो भी अच्छा है। अब इसे हमें 5 मिनट मसाज करनी है, ताकि जो हमारी स्किन वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो अच्छे से अपने फेस को मसाज कर लेनी है, ताकि हमारी स्किन में से जितना भी रात भर का पसीना है, डर्ट है, पोल्यूशन जो भी है, अच्छे से वो साफ हो जाए और आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस करे। अगर आप सिंपली अपने फेस वॉश से सिर्फ अपना फेस क्लीन कर लेते हो तो उसका कोई खास बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि फेस वॉश या कोई भी ऐसी क्रीम, उसका मेन मोटिव होता है आपकी स्किन को साफ करना। तो चलिए, अब हम इसे वॉश कर रहे हैं। नॉर्मल वाटर से अपना फेस क्लीन कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ मैं टॉवल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करती, क्योंकि वो क्लॉथ का होता है, फैब्रिक का होता है, तो वो ज्यादा पोल्यूशन अपने तरफ अब्सॉर्ब करता है। तो इसीलिए जितना कम हो सके मैं उतना ही टॉवल का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और हाँ, ड्राई स्किन जो होती है उसके लिए आपको जिसमें से ज्यादा मॉइस्चराइजर, शेयर बटर या ऐसे प्रॉपर्टीज हो जिसमें ज्यादा की मॉइस्चराइजर हो, वो वाली ग्लिसरीन, वो वाले फेस वॉश यूज करें। जिनकी स्किन नॉर्मल है वो कोई भी नीम फेस वॉश
यूज कर सकते हैं, एलोवेरा फेस वॉश यूज करते हैं जिसकी स्किन ऑयली है। और हाँ, जो फेस वॉश स्पेशली रेकमेंडेड होते हैं कि ये ऑयली स्किन के लिए है, वो कभी मत यूज करें, क्योंकि वो सिर्फ क्या होता है कि जब अपने फेस को आप क्लीन करते हो, मेरी स्किन ऑयली भी है तो टी जोन मेरा जो है वो नॉर्मल है, तो जो आप ऑयली स्किन वाला जो फेस वॉश यूज करते हो उसका सबसे जो आपको एक बेनिफिट नहीं बोल सकते आप, उसे सबसे एक जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपका वो फेस वॉश कुछ टाइम के लिए आपका जो ऑयल फेस से निकलता है उसे कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसके बाद में ज्यादा वो आपके फेस में ज्यादा ऑयल रिड्यूस करेगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी नॉर्मल वाला फेस वॉश यूज करें, वो ऑन स्किन टाइप होता है, वही आप यूज करें। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ मैं अपने फेस को पैड ड्राई कर लूंगी 5 मिनट के बाद, तो ऐसे ही अपने फेस को सूखने दूंगी। तो चलिए, मिलती हूँ आपके अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अभी तक जाना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे चैनल को भी पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और हाँ, कमेंट भी करना है। तो चलिए, चलते हैं, बाय।